बिलासपुर में कांग्रेस का जबरदस्त रोड शो हुआ, जिसमें लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी संजय कपूर पर फूलों की बारिश की। रोड शो कैमरी तराहे से आरंभ होकर ज्वालापुर, रामपुरा, गोथी, धावनी, खजूरिया, आरो, टेरी, ख्वाजा, बेगमाबाद, लालप, नगला, सिमरिया, चमरौआ, चारलपुरा, पहाड़ी गेट, मालगोदाम से होकर कांग्रेस चुनाव कार्यालय पर समाप्त हुआ। सर, आप आज रोड शो कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको आज? क्या आपका माहौल बन पा रहा है यहाँ पे, कांग्रेस का माहौल बना है? कांग्रेस का माहौल तो पूरे देश में बन रहा है जी, और रामपुर का माहौल आपने देख लिया होगा जी। दो घंटे से ये जुलूस चल रहा है और अभी हम एक किलोमीटर का सफर नहीं कर पाए, इससे आप अंदाज लगा लीजिए लोगों में कितना जोश और उत्साह है। बदलाव की लहर है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हुआ है और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि इन्होंने झूठ बोलकर जो पिछले 2014 के चुनाव में वोट लिया था, अब जनता समझ चुकी है। न काला धन वापस आया, न नौजवानों को रोजगार मिला, न GST में सुधार आया, न किसान का कर्जा माफ हो पाया। कोई काम इन्होंने ऐसा नहीं करा है जिससे कि वोट के अधिकार में हो इनमें। और ये तो दोनों एक तरीके समाजवादी पार्टी के जो आजम खान साहब वोट मांगने आए हैं, वो पहले जवाब दें कि बिलासपुर में जब लाइट बसपा की सरकार में मैं विधायक था तो 18, 20, 22, 24 घंटे तक लाइट मिलती थी। जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनी उसी दिन बिलासपुर की लाइट उन्होंने क्यों गायब करा दी? स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए गए कि बिलासपुर में एक मिनट भी लाइट नहीं दी जानी चाहिए। बड़ी मुश्किल से 12-14 घंटे लाइट मिल पाई, बड़े प्रयासों के बाद। ये बिलासपुर आयो रोड जो 18 किलोमीटर लंबी सड़क है, 17 बार टेंडर हुए इसका पैसा आने के बाद उसे बनने नहीं दिया। आज किस मुँह से वोट मांगने आए? आज मजहब की दुआई देते हैं, मजहब को वोट नहीं मिलता है। काम पे वोट मांगो, प्यार पे मांगो, भाईचारे पे मांगो, विकास पे मांगो। हम तो उसका काम करते हैं, राहुल जी के नेतृत्व में विकास की बात करते हैं, भाईचारे की, और उसी पे आगे चलेंगे। ये सड़क में जाम लगा चढ़ाए पे इसको बहुत प्रयास करा मैंने कि इसका चौड़ीकरण हो जाए, नगर विकास मंत्री ने इसको भी नहीं होने दिया। तो आज का किस मुँह से जनता को